तो दोस्तों आज सुबह से मेरा इतना काम हो रहा है कि आज मैंने सारे पर्दे वर्दे भी निकाल रखे धोने के लिए, कुछ कुछ पर्दे निकाल रखे हैं और बेडशीट वगैरह भी बहुत गंदी हो रही थी। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मतलब पतली वाली बेडशीट ना बिछाऊँ गरम, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी धो के फिर एक बार यूज़ करके फिर दोबारा पैक कर दूंगी। पर्दे वर्दे निकाल रखे, जो व्हाइट वाले पर्दे थे ना मेरे, तो वो बहुत गंदे हो रखे थे, तो मैंने वो वाले निकाल रखे। अभी ये येल्लो वाले रहने दिया। तो फिर अभी धोने के लिए इतने सारे कपड़े हो रखे ना। अब मैं इस बेटू को बोल रहा कब से नहाने के लिए, बट ये बेटू नहाता ही नहीं है। चलो बेटू नहा लो, और अभी मैं भी नहाऊंगी थोड़ी देर में। पहले कपड़े वपड़े धोना है, बहुत सारा काम है यार। और इस पे पता नहीं यार कल स्याही गिरी ना इस गद्दे पे, और ये निकल ही नहीं रहा। अब मेरे को इसके बारे में डांट भी पड़ गई, क्योंकि ये पूरा ये कलर है ना जो स्याही होती है उसका कलर गिरा इस पे, और उसकी वजह से इसका जो व्हाइट पे दाग लगता है तो फिर आता भी नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो बस यार आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो अभी मेरा बस यार सुबह पूजा तो होगी थी एक बारी का, फिर आज यही हो रहा है यार। मैंने सोचा थोड़ा आज रूम साफ करूँगी, पर्दे वर्दे सारे धोऊँगी, तो उसी को सुबह से धोने पे लगी हूँ। और इतना ज़्यादा काम हो रहा ना, इतना ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि दो दिन से बारिश थी तो कपड़े भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी पूरे कपड़े मैंने इधर धोने के लिए रख रखे हैं। कुछ यहाँ पे लगा रखा है, स्टैंड में लगा रखे मैंने कपड़े, और कुछ उधर डाल रखे हैं कपड़े। फिर शाम को फिर कीर्तन में जाना है, और आज आंटी के यहाँ कीर्तन है, तो शाम को वहाँ जाएंगे कीर्तन में 3-4 बजे के आसपास। तो फिर अभी खाना खुना भी बनाना है यार, बहुत काम करना है। तो आज आगे से मैंने इतने ज़्यादा कपड़े धो दिए, और अभी ये बेडशीट लगा रखी है धोने के लिए, और इसका ना ये बार बार निकल रहा है यार। फिर मैंने इसको टाइट करा इससे, तो अभी मशीन लगा रखी है इधर। अभी नाना भी है मुझे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मतलब ऐसे फेस मेरा थोड़ा सा डल लग रहा था मुझे, तो यहाँ पे मैंने एक फेस पैक बना रखा ये वाला, तो इसको थोड़ा अप्लाई कर देती हूँ। फिर उसके बाद नहाना है मुझे, क्योंकि खाना वाना भी बन गया है, तो पहले थोड़ा इसको अप्लाई कर लेती हूँ फेस पे। चलो खाना खाते। तो फ्रेंड्स अभी हम नहा धो के सब रेडी हो गए, तो अभी जा रहे हैं कीर्तन में तैयार होके। अभी तैयार तो नहीं हुई थी, बस अभी नहा धो के हल्के से अभी बाल गीले हो रखे, तो हम जा रहे हैं अभी कीर्तन में। और बेटू भी आ रहा है कीर्तन में? हाँ, आ रहा है। तो तैयार हो जाओ, मेरा वो ड्रेस था यहाँ पे रखा। कौन से कपड़े पहन रहे हो? और आज मैं पहनूंगी एक ये वाला टे है, थर्सडे नहीं मिल सके मुझे भी धोना ये क्या कर दे तू ना। अच्छी हो रही, फरवरी में करी थी। यहाँ देखो इतने बाल झड़ रहे हैं आपके भी। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी ब्रह्मचारिणी माता का पूजा होती है आज। चलते हैं कीर्तन में और मिलते हैं आपको कीर्तन में। आज मैं पहन रही हूँ ये वाला, सारा सामान इधर ऐसे फैला रखा है यार। तो एक ये वाइट है, और एक ये वाला, और एक इसके साथ ये वाला। तो फ्रेंड्स अभी हम तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं कीर्तन में, और फिर मिलते हैं आपको वहीं पे। और आज मेरा ये वाला है,
ये भी बहुत पहले के हैं यार, मैं 35 नहीं हूँ, पर मैंने सोचा आजकल जितने भी माता का दिन होंगे ना और कीर्तन वगैरह होंगे तो मैं सब में पहन के जाऊंगी, क्योंकि क्या करना यार, रख के ना कभी पहनते ही नहीं है, जब कुछ ओकेजन होता तभी पहनते हैं, अदरवाइज तो पहनते ही नहीं है, तो आज मैं इसको पहन के जाऊंगी। अब बेटू आ रहा है, चलो। पर मेरे को रबड़ चाहिए। अब रबड़ क्यों, पहले खुला कर रहे थे? किसके? देख रहे इसको रबड़, अब दूसरा वाला अंदर पे है, चलो मामा नीचे गिर गया। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कीर्तन में और लेट हो गया, लेट तो नहीं हुआ है पर अभी लोग आ ही रहे हैं, बेटू और मैं जा रहे हैं अभी। हाँ Yeah.
भाई भाई हो तो क्या। तो दोस्तों अभी हम कीर्तन से आगे हैं और मजा आया यार थोड़ा कीर्तन में। आजकल 9 दिन तक तो बहुत मजे आने वाले हैं। और अभी मैंने कपड़े वपड़े चेंज करूंगी थोड़ी देर में, तो अभी दूध लेने का टाइम भी हो रहा, पर आज इनको बोलूंगी मैं दूध लेने के लिए। ये क्या कर रहे होंगे यहाँ अंदर? मैगी खाना नहीं, चावल बचा तो रखे थे मैंने। गुन्नू के लिए मैगी बन रही है, गुन्नू के लिए मैगी बन रही है। तो यहाँ पे इनकी मैगी बन रही है और हम अभी कीर्तन में आ रहे हैं और यहाँ पे तो मैगी खाई जा रही है, देख रहे हो। मैंने चावल भी बचा के रखे हुए थे। हाँ तो अभी मैं दूध लेके आ गई हूँ और चाय बनाती हूँ, और चाय पीने की क्रेवी हो रही बहुत सी। और कल आंटी के यहाँ कीर्तन है, मतलब हर दिन 9 दिन तक तो कीर्तन ही होंगे, मजे आने वाले हैं। और आज भी गई थी पर थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई मैंने, थोड़ी बहुत बनाई, क्योंकि कीर्तन में ऐसा होता है ना कि फिर कीर्तन ही में ध्यान रहता, तो फिर वीडियो बनाने में ऐसा लगता है यार क्या ही, मतलब ऐसा लगता है यार या तो कीर्तन ही करो या तो वीडियो ही बनाओ। थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने ऐड करी है जितना भी हो सकेगा। तो 9 दिन तक तो जो भी ब्लॉग आएंगे तो वो कीर्तन से ही आएंगे, मतलब कीर्तन संबंधित ही आएंगे, क्योंकि रोज़ शाम को यही होता है कीर्तन में जाना होता है, कीर्तन भजन 9 दिन तक, तो माता का दिन है तो ब्लॉग भी उसी टाइप के आएंगे। तो ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को और क्वालिटी कैसी आ रही है ब्लॉग की, मुझे ये बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा। मैं ये जो ब्लॉग बना रही हूँ तो फुल कैमरे से नहीं बना रही हूँ यार, गोप्रो से भी बहुत ही, मतलब उतना मुझे आइडिया नहीं है कैसे ब्लॉग आ रहा है। इसमें भी तो ठीक ही लग रहा है, पर फिर भी आप लोग मुझे बता देना क्वालिटी वगैरह कैसी है, ठीक है।